हरे कृष्णा। 13 अक्टूबर 2021 को KKR व दिल्ली कैपिटल के बीच मैच होगा। कोलकाता और दिल्ली में से टीम कौन सी जीतेगी वो हम आपको कार्ड से बताएंगे बाद में, पर पहले दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये हम कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। क्या KKR की टीम के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली की टीम के, तो हम कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। हमने प्लेयर्स के नाम लिए हैं KKR की टीम के और दिल्ली कैपिटल के, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं KKR के लिए और दिल्ली के लिए। KKR की टीम से हम सबसे पहले नाम ले लेते हैं और कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड प्लीज़ हमें बताएं कि जो कोलकाता नाइट राइडर है, KKR की टीम है, उनके प्लेयर्स का कैसा प्रदर्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाम डी कार्तिक। डी कार्तिक का 13 अक्टूबर के मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा, कार्ड प्लीज़ हमें बताएं। ओके, KKR की टीम के लिए तो ये पहला कार्ड नेगेटिव कार्ड आ गया। डी कार्तिक के लिए ये कार्ड नेगेटिविटी शो कर रहा है और थोड़ी द्वंद्व और असमंजस की स्थिति है, साथ ही नकारात्मकता भी है, कुछ समझ न आना इस कार्ड में हो सकता है। कि जैसे कार्ड ने बताया है तो डी कार्तिक को कभी कोई बॉल समझ में नहीं आई या कुछ उनसे समझने में चूक हो जाए जिससे कि वो टीम के लिए अच्छा ना कर पाए, अच्छा रन स्कोर ना दे पाए। तो जो कार्ड है, कार्ड ने तो डी कार्तिक के लिए नेगेटिविटी शो की है और उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ही विल नॉट प्ले गुड। आर त्रिपाठी, आर त्रिपाठी का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा। ओके गुड, ये एक पॉजिटिव कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। आर त्रिपाठी के लिए हम कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। एंड राणा, राणा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा। ओके, 10 स्टार, अच्छी मेहनत करेंगे राणा भी इस मैच में, अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे। और 10 स्टार का जो कार्ड होता है उसे हम अच्छा ही मानते हैं, पॉजिटिव कार्ड ही मानते हैं। तो जो राणा के लिए भी हम यही कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। वी अय्यर, जो अय्यर है वो इस मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल का कार्ड है और ये कार्ड मेहनत को दर्शाता है, आपके वर्क को दर्शाता है। तो जो अय्यर है वो भी इसमें काफ़ी काफ़ी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छी टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेहनत दिखती है, रिजल्ट नहीं। तो जो कार्ड की एनर्जी है वो ये बताती है कि आप बहुत मेहनती हैं और आपने बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर रखी हैं, लेकिन अभी यहाँ हम प्लेयर्स के लिए एवरेज कहेंगे कि जो अय्यर हैं एवरेज करके जाएंगे। शुभमन गिल, जो गिल हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। ओके, ये भी एक नेगेटिव कार्ड है गिल के लिए भी। उसके बाद में है रसेल, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन है। ओके, ये एक पॉजिटिव कार्ड और अच्छा कार्ड है, ही विल प्ले गुड। ई मॉर्गन, जो मॉर्गन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। मॉर्गन के लिए नेगेटिविटी शो होना, इट मीन्स टीम पर इफेक्ट होना, मतलब कि जो इस KKR की टीम के कप्तान हैं मॉर्गन, इयॉन मॉर्गन, उनके लिए जो कार्ड आया है वो नेगेटिव कार्ड आ गया है। उनके लिए जो ये कार्ड है वो मतलब थोड़ा सा ये निराशा का, लड़ाई झगड़े का, चतुराई का, किसी से कुछ छीनने की कोशिश करना और
मतलब एक तरीके से नकारात्मकता होती है और दूसरे तरीके से ये भी है कि जैसे कोई किसी की चीज़ को हथियाने की कोशिश करे बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चतुराई से। तो मतलब जी ये जो कार्ड है वो यही बताता है कि जैसे ये व्यक्ति है, इसने यहाँ पे जो तलवारें ले रखी है वो इन लोगों से छीन कर ली है, तो ये वैसे एक नकारात्मक कार्ड है। तो हो सकता है यौन मॉर्गन भी इसी नेगेटिविटी में हो, और अगर वो कुछ अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकते हों तो, वरना तो ये कार्ड में तो नेगेटिविटी शो होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहने वाला है। सुनील नारायण, जो नारायण है वो इस मैच में कैसा करेंगे? ओ माय गॉड, सुनील नारायण भी एक उदासी में एक नेगेटिव कार्ड शो होना, फाइव ऑफ कप्स का, यहाँ पे भी संभावनाएं होती है, ये भी कार्ड संभावनाओं को दर्शाता है, आप जिधर जैसा सोचेंगे काम वैसे बनेंगे। तो अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है और अगर आप उसी को सोचते रहते हैं तो शायद आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो अच्छा कर भी सकते हैं। तो ये भी दोनों कंडीशंस हैं, इसलिए हम इनको एवरेज में रखेंगे। सुनील नारायण के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि ही विल प्ले एवरेज। एल फर्ग्यूसन, जो फर्ग्यूसन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, उनका भी एवरेज ही रहेगा। वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? ओके, आज तो मतलब केकेआर के सारे ही कार्ड स्ट्रगल के, निराशा के, और कैप्टन का कार्ड भी कुछ खास पॉजिटिव कार्ड नहीं आना, मतलब टीम के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स ने कुछ विशेष नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड भी नेगेटिव, कार्तिक का भी, ये कैप्टन का भी कार्ड नेगेटिव, और फिर ये वरुण चक्रवर्ती का भी कार्ड नेगेटिव, कुछ नेगेटिविटी है। अगर थोड़ी बहुत वो किसी से सलाह लेके, बातचीत करके अगर खेलेंगे तो शायद अच्छा कर जाए, नहीं तो ये भी एवरेज ही रहेंगे। फिर है हसन, एल हसन करके जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, ये अच्छा है, ही विल प्ले गुड। शिवम मावी, जो मावी है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, ये इतने कार्ड्स में से ही है एक कार्ड पॉजिटिव और बढ़िया कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड। तो हो सकता है जो मावी है वो इस मैच में इस टीम के लिए कुछ अच्छा कर जाए, तो ही विल प्ले गुड। ये थे इस तरीके से हमने जो केकेआर की टीम के कार्ड्स देखे हैं। अब हम दिल्ली के लिए कार्ड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड तो नेगेटिव ही शो हुए हैं। अब हम दिल्ली के लिए देखते हैं, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओ वाव, यहाँ तो फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही मतलब बढ़िया, ऋषभ पंत के लिए अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, ही विल प्ले गुड। श्रेयस अय्यर, अय्यर का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके, किंग एंड क्वीन दोनों ही पेंटिकल के, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, दोनों ही पेंटिकल के जो किंग और क्वीन है दोनों ही दिल्ली की टीम के लिए आ गए हैं, राजा भी रानी भी। तो श्रेयस अय्यर का भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। एस हेट मायर, हेट मायर का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, सरेंडर, कुछ अच्छी बॉल आ जाएगी तो लग जाएंगे चौके छक्के, वरना ठीक है एवरेज में रहेंगे। पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके गुड, ही विल प्ले गुड। शिखर धवन, जो धवन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओ माय गॉड, द मैजिशियन, मतलब धवन
के लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्ड है। मतलब कमाल कर सकते हैं शिखर धवन इस मैच में। कार्ड्स ने ऐसा बताया, कार्ड की जो एनर्जी है वो दिल्ली टीम के लिए, मतलब पहले रानी आना, फिर राजा आना, फिर जादूगर आना, द मैजिशियन का कार्ड, जो जो हर तरीके से सब चीज़ें करने में सक्षम होता है, चाहे फिर वो मतलब अपनी बुद्धि, अपना कौशल, जो भी मैच में मतलब इन लोगों को बॉलिंग वगैरह, बैटिंग वगैरह के बारे में पता होता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ही बेहतर और बढ़िया कर सकते हैं। तो शिखर धवन के लिए द मैजिशियन का कार्ड आना बहुत ही बढ़िया बताया गया है, कि बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहना चाहिए। ए पटेल, जो पटेल हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, फोर ऑफ वैंस, ये भी बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड होता है फोर ऑफ वैंस का भी। ही विल प्ले गुड। नॉटेज, इन नॉटेज, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके, अगेन ये तो विक्ट्री का कार्ड है, मतलब जीत जीत के आना। नॉटेज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस मैच में। आर अश्विन, जो अश्विन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? बढ़िया, ही विल प्ले गुड। ए खान, ए खान का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके, ये एक नेगेटिव कार्ड है, द डेथ, ये कार्ड नेगेटिव है, तो हो सकता है खान का कोई विशेष नहीं हो। के रबाड़ा, रबाड़ा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके, द एम्प्रेस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब दिल्ली की टीम में तो हम ये कह सकते हैं कि एक कार्ड नेगेटिव है और एक कार्ड जो है वो सरेंडर का है, दो ही अब तक के ऐसे कार्ड आए हैं, बाकी अभी तक कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत अच्छे और बढ़िया कार्ड आए हैं। तीन कार्ड्स तो क्वीन के ही आ गए हैं, रानी के ही तीन कार्ड आ गए हैं, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कार्ड्स भी, यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। फिर है टी करण, जो करण है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहने वाला? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कार्ड्स, जो कार्ड्स ने जो बताया है दिल्ली के टीम के लिए, और जो केकेआर की टीम है, दोनों टीमों के हमने कार्ड देखे हैं, और हमें यहाँ पे दिल्ली की टीम में बहुत ही अच्छे और बढ़िया कार्ड नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है जो ये आपका 13 तारीख का जो मैच है उसमें दिल्ली बहुत अच्छा करे, और कार्ड्स ने तो यही बताया है, कार्ड की प्रिडिक्शन तो यही है। तो हमने एक कार्ड की प्रिडिक्शन देखी दिल्ली और कलकत्ता के लिए। थैंक यू सो मच।